हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स कंपनी का आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 40 पैसे पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पे, जो कि गाइस पहले क्वार्टर एंडेड को कवर करेंगे। और क्वार्टर एंडेड फिनांशियल ईयर एंडेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, पहले क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का जो नंबर्स दिए गए लैक्स में है। इनकम है 133 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 102.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 105 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 119 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 91.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 90.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 14 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। और ये एक्सपेंस हुआ है मटेरियल कॉस्ट में 90.4 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा किया गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 12.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में वापस से इंक्रीज किया। और रीज़न क्या है? टैक्स, क्योंकि 1 करोड़ का ऐड किया डेफर्ड टैक्स और 2.4 करोड़ का चार्ज किया था ओनली, लेकिन मार्च 23 क्वार्टर में 3.1 करोड़ का टैक्स चार्ज किया करंट टैक्स और 96 लाख का डेफर्ड टैक्स चार्ज किया था। इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस बार ईयर ऑन ईयर में वापस से इंक्रीज हुआ। EPS 2.1 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम इसके फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करेंगे, इसको इनकम में 470 करोड़ का, 23 में 356.9 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 417 करोड़ का और 23 में 313.8 करोड़ का एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 53.1 करोड़ का और 23 में 43 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का, 23 में 29.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। EPS 6.72 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल ईयर एंडेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए गाइस, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश हुआ है। शेयर की बात करें, 581.4 रुपीज़ पे क्लोज किया था फ्राइडे के दिन, और 3.3% का प्रॉफिट दिया था गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट था। लेकिन वन वीक में 8% का लॉस मिल चुका था, मतलब कंपनी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला था। अब यहाँ से कंपनी रिवर्स कर सकता है और अब पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। 1 मंथ में 29% का प्रॉफिट दे चुका है, 3 मंथ में 54% का प्रॉफिट है। और गाइज, लेकिन अगर देखा जाए तो गाइज, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 4-5% का प्रॉफिट मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं कल के दिन। लेकिन गाइज, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री करना चाहते हैं कि आपको अच्छी प्रॉफिट मिले 10-15% का गाइज, तो मैं कहूँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी को उस टाइम पहले एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लिया था, लेकिन वापस अभी सपोर्ट लेता नजर आ रही थी। इसलिए गाइज, आप यहाँ से जो है शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, अराउंड जो 600 रुपीज़ जो है सो पे जा सकती कंपनी के शेयर 600 रुपीज़ पे जा सकते हैं आज के दिन। इसलिए गाइज, आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ओपन ही होती है 600 से प्लस में, अगर ये ओपन होता है गाइज, तो मैं कहूँ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 600 से नीचे अगर ओपन होता है गाइज, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।